हेलो नमस्ते, मैं टोक्यो से क्योतो आया था बाई शिंकानसेन और मैंने क्योतो का व्लॉग बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। और अभी मैं जा रहा हूँ ओसाका, जो यहाँ से 45 मिनट्स का रास्ता है। हेलो, हाय फ्रॉम ओसाका। ओसाका पहुँच गया हूँ मैं आज। मेरा एक दिन रुकने का प्लान था यहाँ पे, और यहाँ पे आके पता चला है यहाँ पर जो टाइफून की वार्निंग थी कल, वो कास्ट किया गया हाई इंटेंसिटी टाइफून। तो देखते हैं मैं कितना एक्सप्लोर कर पाता हूँ। और ये सेम फोकास्ट क्योतो में भी था, बट लकीली वहाँ पर ऐसा कोई ना ही कोई टाइफून आया और ना ही कोई बारिश आई, तो मैं बहुत सही तरीके से घूम पाया था पूरा एक दिन। आई विल ट्राई टू एक्सप्लोर एज मच एज आई कैन, और ऑब्वियसली सेफ्टी के साथ। ज़्यादा लगेगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेट घूम लूँगा, बट यस घूमना तो है ही। यहाँ की थोड़ी नाइट लाइफ दिखाता हूँ कैसी है। और जो ये पीछे मेरी बाइक है, ये बाईसाइकिल मैंने रेंट पे ली है अपने जहाँ मैं होटल में रुका हूँ, उन्होंने प्रोवाइड किया है कुछ एक्स्ट्रा पैसे लेके। इसमें काफ़ी एक्सप्लोर हो जाता है साइकिल से, पैदल तो कितना घूम पाते हैं। ये बाईसाइकिल मैंने रेंट पे ली है। लेट्स गो एंड एक्सप्लोर। टाइफून जी के आने से पहले घूम लेते हैं जितना घूम सकते हैं, बट लकीली क्योतो में भी वार्निंग थी बट आया नहीं, ना बारिश आई और ना टाइफून आया। तो काफ़ी जगह एक्सप्लोर कर ली विद इन अ डे। ऐसी अलग फीलिंग थी टोक्यो से, लेकिन ओसाका इज़ मोर लाइक टोक्यो। इससे सुंदर मॉल नहीं देखा कभी, इतने सारे पेड़ और नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़्यादा है। ये जगह दातुन बोरी के नाम से है, थोड़ा फैशन स्ट्रीट टाइप, और बड़े बड़े ब्रांड्स हैं यहाँ पे। और हाँ, आप लोगों को थोड़ा सा ओसाका के बारे में बताता हूँ। ओसाका ये जो मेनली फेमस है, ये टेक्सटाइल सेंटर है जापान का, और इसे मैनचेस्टर ऑफ जापान भी बोला जाता है। और यहाँ पर जो कॉटन आता है इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, ये बेसिकली इजिप्ट, इंडिया, चाइना, यूएसए से इंपोर्ट करते हैं। और यहाँ पे जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं उसमें ओसाका कैसल और यूनिवर्सल स्टूडियो है। बेसिकली मैं जहाँ भी जाता हूँ यूनिवर्सल स्टूडियो और डिज्नीलैंड हमेशा देखता हूँ, काफ़ी कंट्रीज़ के देखे हैं। लेकिन यहाँ पे अभी जैसे टाइफून की वार्निंग है तो मैंने अवॉइड किया, क्योंकि हो सकता है उसकी वजह से काफ़ी राइड्स बंद हो और वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो जब मौसम सही हो तो ही जाना चाहिए। और ओसाका नॉन वेजिटेरियन लवर्स के लिए तो बहुत ही अच्छी जगह है, बट एज़ यू नो मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं खाता, तो मुझे तो हर जगह वेजिटेरियन ही ढूंढना पड़ता है। और काफ़ी देर से घूम रहा हूँ, यहाँ मुझे मैकडी दिखा है, यहाँ पे देखता हूँ क्या क्या मिलेगा। तो फाइनली खाना आ गया, मैकडी से ऑर्डर किया है। चिकन? नो, इसमें चिकन नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे वेजिटेरियन मील होता नहीं है, तो मैंने इनको केवल बन और वेजिटेबल्स और बीच में चीज़ डालने के लिए बोला है। और ये पूरा सेट लिया है, इसमें फ्रेंच फ्राइज़, कोल्ड ड्रिंक, और ये केवल बन है, तो यही खा लेता हूँ। लेकिन रैप
उन्होंने चिकन वाले का कर दिया क्योंकि मैंने सेट चिकन वाला बोला था जिसमें विदाउट चिकन। और ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है यहाँ पे, इसका नाम है, स्टार का नाम है सुतेन काकू, इसे आईफिल टावर ऑफ ओसाका भी बोलते हैं। ये एक ओसाका का काफ़ी फेमस सिंबल है। ये जगह है शिनसिकाए, जिसका जैपनीज में मतलब होता है न्यू वर्ल्ड, और इसे बनाया गया थोड़ा सा रेट्रो लुक में बनाया गया है। और यहाँ ओसाका पूछ रहे हैं व्हाई आर यू हेयर, घूमने भाई घूमने, बस कल टाइफून ना जाए नहीं तो हम घूमते रहेंगे। काफ़ी तीन चार जगह घूम लिए, काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी ब्यूटीफुल थी। ये रात के अराउंड 12 बज गए हैं, कुछ खाने को लेता हूँ 7-Eleven से। ओह दिस इज़ माई फेवरेट, एक ही बचा है, कुछ कोल्ड ड्रिंक। सो आई बॉट दिस ऑरेंज जूस और ये कॉर्न सैंडविच। यहाँ पे अभी रात के 12:30 बज गए हैं, मैं अपने होटल पहुँचने वाला हूँ। तो कल मौसम कैसा रहता है, टाइफून प्रिडिक्ट है, अगर टाइफून बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं आया तो मैं आसपास घूम लूँगा, नहीं तो फिर मुझे कल निकलना है हिरोशिमा। सो सी यू पीपल, टेक केयर।